हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरा गला ख़राब है, इस पर नहीं जाइएगा। काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए गला ख़राब है और ये ठीक हो ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा टोटके किए हैं, कुछ मौसम का भी असर होता है। और जी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं अपना ब्लॉग लेकर। सोचा कि आज ब्लॉग बना लूँ, बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई। तो हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो अपना हर मसला हर प्रॉब्लम शेयर भी करे, कुछ मसले मसाइल तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो इंसान को सॉल्व करते करते टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मैं अपनी वीडियोज भी नहीं बना पाई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त मेरे लिए नेट का हो रहा है और मोबाइल का हो रहा है। और क्योंकि मोबाइल मेरा ख़राब हो जाता है तो इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाती। खैर, ज़िंदगी के साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो तमाम देखने वाले बहन भाई हैं उन सब की परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आपको ये ढेर नज़र आ रहा होगा कपड़ों का। जी हाँ, ये कपड़ों का ढेर है, ये धुले हुए कपड़े हैं, इनको अभी मैंने ठिकाने लगाना है। और संडे है, संडे को होता है अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से ऑफ। तो बस अभी हम लोग सोकर उठे हैं, बच्चे भी मेरे सोकर उठ चुके हैं। आपको मेरे बैग पर आवाज़ें आ रही होंगी। बच्चों को माशाल्लाह से दोनों बच्चे हैं, दोनों मेरी ज़िंदगी हैं, इनके ही दम से मेरे घर में रौनक है। तो जी बस इनको जो है कपड़ों को मैंने ऊपर से अभी उतारा है। ये मैंने धोए थे फ्राइडे को शाम में, धोने के बाद इनको मैंने अभी उतार कर लेकर आए हैं, बांध कर रख दिया था। तो बस अभी नाश्ते की भी तैयारी है, बच्चे को नाश्ता भी बना के देना है। और मेरे हस्बैंड गए हैं आउट ऑफ सिटी किसी काम के सिलसिले में नहीं गए, किसी रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पर गए हैं वो आउट ऑफ सिटी। कल गए थे, अच्छा शाम तक वापसी भी हो जाए उनकी। बस और इसी के साथ जो है यही दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं उन सबको अपने जवाय रहमत में जगह अता फरमाए, मरने वालों के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और इसी तरह जब 6 सितंबर जो कि ना भुलाने वाला दिन है हम सब के लिए, सानिया पेशावर सबको अच्छे से याद होगा कि उस दिन हुआ क्या था कि दहशत गर्दों ने एक आर्मी के स्कूल पर हमला कर दिया था। वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद भी किया गया, टीचर्स को भी शहीद किया गया। तो बस उनको अल्लाह ताला अपने आला मकाम अता फरमाए जन्नत में, और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। वालदेन को सब्र तो नहीं आता, माँ को सब्र तो नहीं आता, उन माओं को सब्र तो नहीं आया होगा, लेकिन वक्त है कि ऐसा ऐसा सब्र आ ही जाता है। लेकिन जब वो दिन दोबारा से आते हैं तो वही चीज़ें सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, जो पीछे से छापड़ी वाले की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मेरा घर जो बिल्कुल फ्रंट पर है गली के, और बहुत क्लियर आवाज़ आती है बाहर से। अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में देख रहे होंगे, सुनते होंगे कि पीछे से आवाज़ें और शोर बहुत होता है। तकरीबन वजह यही होती है कि बिल्कुल गली के उस पर है मेरा घर, तो सारी बच्चों की गली के बच्चों की आवाज़ें और जो भी फ्रूट्स सब्ज़ी या छावड़ी वगैरह जो भी होता है उन सब की आवाज़ें बहुत क्लियर आती हैं। तो बस आज के दिन का स्टार्ट करते हैं इसी के साथ और दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता बना लूँ मैं बच्चों के लिए, नाश्ते में पराठे बना रही हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, गैस की कंडीशन ये है, आप देख रहे हैं टोटल गैस है, फुल है। ये देखें फ्लेम मैंने फुल किया हुआ है, ये फुल है। तो इसी तरह सालन गर्म करने के लिए रखा कल बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि सर्दियों में बहुत मज़ेदार लगती है, ग्रेवी वाला सालन आलू मटर का। ये देखें बहुत मज़ेदार लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरा ख्याल है तक सब लोगों को ही पसंद होता है आलू मटर की सब्ज़ी पसंद होती है। पराठे बनाएंगे साथ में, गैस ना होने की वजह से हम लोग सिलेंडर भी खरीद कर लेकर आ गए थे। ये हटाओ बेटा, अभी दिखाते अपने व्यूअर्स को सिलेंडर दिखाती हूँ। देखें ये सिलेंडर भी लेकर आ गए थे हम लोग कि गैस बिल्कुल ना हो तो फिर हम इसका यूज़ कर लेते, जब गैस बिल्कुल भी नहीं होती। जैसा कि स्कूल से ख़ास तौर पर जब मैं वापस आती हूँ तो गैस बहुत कम होती है और टाइम होता है ऐसा कि भूख लगी होती है ज़बरदस्ती, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सिलेंडर पर रोटियाँ बना लेती हूँ। तो बस यही आज की छोटी सी रूटीन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कंटिन्यू करना था वापस आप लोगों के साथ। और तमाम सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
लाजमी याद रखें, मुझे सपोर्ट करें, नीड योर सपोर्ट, लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें। भाई आपका जाना क्या है, एक आपने क्लिक ही तो करना है ना, आपने पैसे देने ना कुछ। कंटेंट हम भी अच्छा ही लेकर आ रहे हैं और आप मजीद कमेंट्स करें, हौसला अफजाई होगी तो मजीद अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। इसी के साथ आप सबसे फ़िलहाल चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।